टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इतने मस्त व्यू के साथ। देखो मेरे पीछे पूरा भीमताल लेक दिख रहा है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हम दोस्तों के साथ यहाँ पे आए थे और रात में यहाँ पे रुके थे। फिलहाल मैं बालकनी में हूँ और होम स्टे में हूँ, तो रूम दिखाता हूँ, काफी बढ़िया रूम है यहाँ का। भाई उठ गया, बाकी सब उठ गया। तो एक रूम वो है हमारा, एक रूम ये है, एक रूम ये फिलहाल मैं बालकनी में हूँ और यहाँ से देखो ये रूम है, काफी बड़ा रूम है ये। और गाइस पता है कि स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो हम पहली बार यहाँ पे रुके हैं, मतलब पहले कस्टमर हैं इनके पहले। इस होटल का वॉशरूम भी हम पहली बार यूज़ करेंगे, ये बाल्टी सब कुछ हम पहली बार यूज़ करेंगे सब कुछ। तो गाइस मैं तो मस्त नहा धो के रेडी हो गया हूँ, देखते बाकी सब रेडी हुए नहीं हुए, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। गाइस ये देखो गर्ल्स रेडी नहीं हुई, बॉयज तीनों के लिए रेडी है और हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। कब से उठा रहा हूँ इनको, रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ। आलू के पराठे हैं, सैंडविच है, दही है, बटर है, चीनी है और चाय है। ठीक है बाद में करना, पहले जल्दी खाओ। गाइस हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, हम तीनों तो रेडी हो गए हैं लेकिन गर्ल्स रेडी नहीं हुई, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई, वो एक घंटे से ज्यादा हो गया। तालियां बजा दो इनके लिए, तालियां। तो बाहर आ गए और इसका नाम है मोहिनीज, तो यहाँ पे आप आ सकते हो मस्त। हम वहाँ पे रुके थे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह गुप्त्याल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। हम आपके पहले क्लाइंट हो गए, पहले क्लाइंट। कैसा लगा सबको? मजा आया। कपड़े देखो सेम सेम है। चलो भाई हमारी गाड़ी आ चुकी है, फिर मिलते हैं। ओके बाय। तो अभी होम स्टे से निकल गए हैं भाई, अंकल इतने अच्छे थे ना लिटरली, मतलब अपने बच्चों की तरह रख रहे थे हमको लिटरली, मतलब बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट टाइम हम रुके वहाँ पे तो बहुत अच्छा लगा बहुत। तो थैंक यू अंकल, जगह वीडियो देख रहे हो, थैंक यू सो मच। गाड़ी मस्त यहाँ पार्क कर दिया, देखो ऊपर चढ़ा दी मैंने, यहाँ पे पत्थर भाई बच्ची थोड़ी चाय करना लग सकती थी। यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे खाना और शराब पीना वर्जित है। शराब नहीं लाया ना, नहीं लाया शराब, इतने पैसे ही नहीं थे मेरे पास। गाइस यहाँ पे तो कैंपिंग करना मना है, तो कैंपिंग तो कर नहीं सकते, खाना भी नहीं ला सकते, तो कहीं और जाना पड़ेगा हमको। झील गहरी है, खतरनाक है। कौन तैरने आया था? तुम पढ़ लिया ना, मत बोलना। कहाँ जा रहे हो, उधर जाना है। अरे तो खाना पीना खा रहे, ध्यान से ध्यान से। फाइनली पहुँच गए किनारे पे, देखो यहाँ पे कोई भी नहीं है भाई, हम जंगल के अंदर से आए कहीं से। देखो काटे चुपे तो नहीं, काटे तो नहीं चुपे, तो बैठे किनारे पे मस्त। हमारा प्लान था यहाँ मस्त चेयर वेयर लगाते हैं, यहीं पे बनाते हैं कुछ, लोग तो तैर रहे हैं भाई। गाइस वैसे यहाँ पे ना कुछ भी अलाउड नहीं है, ना तैरना, ना खाना बनाना, ना खाना खाना, ना पिकनिक करना, ना कैंपिंग करना, कुछ भी, बट फिर भी सब कुछ कर रहे हैं, खाना भी खा रहे लोग मस्त यहाँ बैठ के। और हम तो जा रहे वापस, बिकॉज हमको तो कैंपिंग करनी थोड़ी बहुत, ऐसी लोकेशन ढूंढने जहाँ पे अलाउड हो। तो गाइस फाइनली हमको जगह मिल गई है, और इतनी सुंदर जगह मिली है, इतनी बेस्ट जगह मिली है। तो भी सारा कैंपिंग का सामान ले लिया हमने, चलो भाई निकल गया, अब चलते नीचे। गाइस वो देखो सामने क्या है, कितना प्यारा झरना। तो भी हमको रिवर क्रॉस करनी है, तो सभी जूते उतारे अपने। तो गाइस हमने अपना सेटअप लगा लिया यहाँ पे मस्त, टेबल लगा लिया, चेयर लगा लिया, अब यहाँ बनेगा खाना। राजमा चावल भी लाए हैं, अरे बने बने चावल लगाए। गाइस राजमा चावल ऑलरेडी बना हुआ है, बस इसको उबलते हुए पानी में डालना है 10-15 मिनट के लिए बस। चावल भी बढ़िया वाले चावल है, पानी बॉयल होना शुरू हो गया, अब इसको डाल देते हैं इसमें। तो मस्त डांस करके आ गए हैं और फिलहाल खाएंगे खाना, हमारा रेडी हो चुका है राजमा चावल मस्त। गाइस हमने पूरा ही मिक्स कर लिया, देखो ऐसी बांट लेंगे इसको। बाकी ये सामान तो मैं लाया था, बाकी खाने का सामान नहीं लाया। हम तो सब बस आए थे। चाय बनाएगी पीरू? इतने पानी में अच्छी चाय बन जाएगी यार, एक्सपीरियंस बन दियो। दोनों भाई मिलकर चाय बनाएंगे मस्त। ये देखो ये आला है, चाय बनाएंगे। देख तो ऐसे रहे जैसे कि पता नहीं क्या बट रहा होगा यहां। अगर गंदी चाय हुई तो मेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसको बोलेगा और किसको बोलेगा, बोलना मेरे को, लेकिन बारे में इसके बोलना। एक जने की चीनी है ये, छह जने ज्यादा चीनी खाते हो क्या? अरे यार ये तो दो जनों की चीनी है, छह जनों की चीनी। चलो इतनी डालो, ज्यादा मत डालो। अरे छह जनों की नहीं है भाई, ये छह जनों की है। दो कप में होगी ना, इतनी इतनी और दो। और जो चाय मीठी हुई और किसी ने मेरे को बोला ना, सबका कपाल फोड़ूंगी। गाइस ये चाय बना रहे, लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तीनों इतनी अभी इतनी डाल दे भाई, अगर चीनी ज्यादा हुई ना देख लेना, सही बता रही हूं। मत पीना आप, हम पी ले। अरे गाइस ये तो दो कप बनी है सिर्फ। गाइस ये देखो इतनी चाय दे रही है, सिर्फ इतनी सी चाय दे रही है, दो घूंट चाय। हैं चाय सही है वो, तुम कब बड़े लाए हो, इससे कम दे रही है ये। सही चाय का कमेंट बताना कितनी चाय दी है इसने मुझे। चीयर्स कर रहे हैं, देखो चीयर्स, ये देखो चीयर्स। शाम के 4 बजने वाले हैं, आज तो पूरा दिन हमारा ऐसे निकल गया यहां पे। तो आज हम रुकने वाले हैं हल्द्वानी में, स्कैडिक में। गए जी देखो दोनों ने कितना मस्त बनाया भाई, ये पेड़ पत्थर, ये सामने दिख रहा है ना पत्थर और पेड़, और ये हमारी टेबल, चाय बन रही है, बोतल, मोहित भी बना रहे सेम, मोहित ने पेड़ बना दिए, सपना वहाँ बैठ के बना दिए मस्त अपना। चलो भाई अच्छा से पूछते हैं कैसा लगा 3 दिन साथ में घूमे। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मजा आ रहा है। मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत मजा आया। अभी निकलते हैं, जूते उतार लिए, क्रॉस करनी है। गाइस देख लो हमने जो कुछ भी खाया ना सब कुछ जानी चाहिए, देख लो कुछ भी नहीं है, हमने ये बना दिया बस। गाइस ये मस्त जगह है नहाने के लिए, यूज़ करना चाहता हूँ ना, यहाँ नहाएंगे देखो, यहाँ ज़्यादा गहरा भी नहीं है। गाइस आपकी बात ना, मुझसे ज़्यादा ब्लॉग तो पीरू ने किया है अपने चैनल पे, मुझे लग रहा है मेरा पत्ता कटने वाला है। तो गाइस अगर आपको भी आना इस लोकेशन पे आ सकते हो, ये मुक्तेश्वर रोड है। तो मैं तो ग्रुप में इसलिए मजा आया, जब कम लोग होते हैं ना मजा आता है, ग्रुप में मजा आता है दोस्तों के साथ में। तो कमेंट करते ना साथ में, इस तरह से हमको ट्रिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप लोग कैसा लगा 3 वीडियोस देख के, हम 3 दिन साथ में थे, 3 वीडियो बनाए और फुल मस्ती की हमने। मना कर दिया तो नहीं घूमोगे? कमेंट में हाँ हाँ लिख देना बस। नहीं हाँ हंसने वाला, हाँ नहीं हाँ वाला, हाँ यस वाला। गाड़ी भी किसने लिख दिया? आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। इसको दबा, पूरा दबाओ, अब करवाओ। और इसको मैंने छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा, दबा के हाँ करो बस, हो गई स्टार्ट, हो गई स्टार्ट। पहली बार करिए सर, आज पीरू ने लाइफ में पहली बार गाड़ी स्टार्ट किया, सीधा फॉर्च्यूनर। आपको सिखाऊंगा, लाइट बंद कर दो ऊपर की। क्यों बिलाता है?
बोला तो सही वैसे, गुड जोक। आई एम अ जोकर। यू आर जोकर। ये पहले हंसना तो सीखो। तो गाइस यहां पे रुके हैं, यहां देखो पानी आ रहा है, बस गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, बस मौके का फायदा उठाते हैं और पानी धोते हैं। पहाड़ खत्म होने वाले, हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। फाइनली हल्द्वानी पहुंच चुके हैं, अंधेरा हो गया, अब जा रहे सीधा स्काई डेक। चलो भाई स्काई डेक पहुंच गए, और वो खड़ा अपने सामने मॉन्स्टर ट्रक। बिल्कुल नया होटल है, बिल्कुल। ये तुम्हारा रूम हो गया, कलर मस्त है ना, ये बोल का डिजाइन है पता है। इसमें रेस्टोरेंट है, बहुत मस्त रूफ टॉप है। तो वो भी हमको मिल गया, फिलहाल वेट कर रहे सबका। तो एक तो ये एरिया है, इधर बैठ सकते हो, ऊपर बैठ सकते हैं। तो अब हम आ गए रूफ टॉप में, तो इधर बैठ सकते, इधर बैठने तो एक खुला एरिया। यहाँ हम करते हैं डांस, मस्त खतरनाक वाला। मुरादाबाद से थैंक यू। तो गाइस अब आ गए डिनर के लिए, आज डिनर करेंगे यहीं पे स्काई डेक में मस्त। सबसे पहले देंगे मस्त सूप, अब खाएंगे मस्त पिज्जा, अब खाएंगे मस्त नूडल्स, लास्ट में हमारी फेवरेट ब्राउनी विद आइसक्रीम। तो भी खाना पीने खा के आ गए मस्त, तो रिव्यू दे देना गूगल पे। ठीक है, और गाइस आप भी दे देना स्काई डेक को रिव्यू, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। तो भी आ गए अपने रूम में, और फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।